हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से कमीशन के लिए या फ्रीलांसिंग इनकम हो या ब्रोकरेज हो तो कैसे उसके लिए आईटीआर फॉर्म भर सकते हैं, कैसे फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म भरने के लिए हम यहां पर फाइनल अकाउंट का उपयोग करने वाले हैं। फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फाइनल अकाउंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। फाइनल अकाउंट होता क्या है, यहाँ पर आपको अपना इनकम, एक्सपेंसेस और जो भी असेट्स लायबिलिटी वगैरह होते हैं वो सब दिखाना होता है। जैसे कि पीएनएल अकाउंट है, यहाँ पर आप देखिए इस साइड में आप अपना इनकम दिखा देते हो, जो आपको कमीशन मिला हुआ या ब्रोकरेज या जो भी आपने सर्विस दिया हुआ है उसमें जो आपको इनकम मिला हुआ है वो आप यहाँ पर दिखा देते हो, ठीक है। उसके बाद आप जो भी एक्सपेंसेस करते हो पूरे साल भर में वो आप इस साइड में दिखा देते हो, तो जो भी आपका इनकम है उसमें से आपका एक्सपेंसेस माइनस हो जाता है और उसके बाद आपका प्रॉफिट बचता है, ठीक है। उसके अलावा कैपिटल अकाउंट भी आप बना सकते हो कि कितना कैपिटल आपने बिजनेस स्टार्ट करने में लगाया और उसमें से कितना कैपिटल आखिरी में बचा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा बैलेंस शीट है, यहाँ पर आप अपना असेट्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह दिखा सकते हो, बिजनेस का कितना बैलेंस है, कैश है, सब कुछ दिखा सकते हो। उसके अलावा प्रोप्राइटर का कैपिटल और लायबिलिटी वगैरह भी आप दिखा सकते हो, लोन वगैरह होगा तो आप दिखा सकते हो। उसके अलावा इस तरीके से आप एक्सेल में फॉर्मेट बना सकते हो। अगर फॉर्मेट आप नहीं बना पा रहे हो तो आप रेडीमेड भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनल अकाउंट बहुत ही काम में आ जाता है आईटीआर के साथ, आपको अगर लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है या कहीं पर देना है इनकम प्रूफ के लिए तो काम में आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा सारा डिटेल भी आपको एक जगह पर मिल जाता है ताकि आईटीआर भरने में भी आसानी हो, ठीक है। अब एक और चीज का आपको ध्यान देना कि यहाँ पर जो अमाउंट वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं ये डेमो पर्पस के लिए हैं, एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। आपको आईटीआर भरना कैसे है उसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पर अमाउंट वगैरह यहाँ पर डेमो बनाया हुआ है, तो आपको इन अमाउंट पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है कि हम क्या स्टेप ले रहे हैं, कैसे आईटीआर में हम डिटेल भर रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। क्या अमाउंट भर रहे हैं वो मत देखिएगा क्योंकि अमाउंट वगैरह आपका खुद का होगा। तो फिलहाल जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से इनकम टैक्स पोर्टल पर हम आ जाएंगे और जल्दी से लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन के लिए इस तरीके से आपको पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपने पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करते ही इस तरीके से पेज आ जाता है, यहाँ पर आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल चेक कर लीजिएगा कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस अपडेट है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं होगा तो अपडेट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट आपका लिंक है या नहीं, और लिंक है तो वैलिडेटेड है या नहीं वो भी आप चेक कर लीजिएगा। दोनों का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको कोई इश्यू हो रहा है तो, ठीक है। उसके बाद आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर क्लिक करके आपको 26AS भी चेक कर लेना है। इस तरीके से आपको डिटेल दिखाई दे जाएगा, चेक कर लीजिएगा कि सारा कमीशन या ब्रोकरेज या जो भी आपका इनकम है यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके अगेंस्ट जो TDS डिडक्ट हुआ है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। TDS चेक करने के बाद आपको आना है AIS में, AIS पर क्लिक करके आप अपने इनकम सोर्स को वेरीफाई कर लीजिएगा कि सब कुछ सही तरीके से अपडेट है या नहीं, ठीक है। ध्यान देना कि ये डिटेल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ITR में बहुत सारा प्रीफिल डेटा AIS से ही मिलता है, ठीक है। हमारे केस में हम मान लेते हैं कि हमारा सब कुछ अपडेट है, अब हमें ITR फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर फाइल नाउ का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद असेसमेंट ईयर हम सेलेक्ट करेंगे, करंट असेसमेंट ईयर, मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा, यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन है, क्लिक कर देंगे। असेसी इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आईटीआर फॉर्म आप सिलेक्ट कर लीजिए, हमारे केस में ITR3। ध्यान देना है कमीशन के लिए, ब्रोकरेज के लिए ITR3 कंपलसरी है, ठीक है। ITR3 सिलेक्ट करने के बाद नीचे प्रोसीड विद ITR3 पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें रीजन सिलेक्ट करना है कि क्यों हम ITR फाइल करना चाहते हैं। हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है। अगर आपको पता नहीं है कि कौन कौन से रीजन होते हैं तो हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है किसके लिए ITR फाइलिंग एप्लीकेबल होता है, ठीक है, वो देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से शेड्यूल सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में टैब दिए गए हैं और हर टैब में आपको शेड्यूल दिखाई देते हैं, तो वन बाय वन आप चेक कर लीजिएगा कौन सा शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल है। जो भी एप्लीकेबल है उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से डिस्क्लेमर आएगा, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि कितना शेड्यूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है। स्कीप द क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर पॉपअप मैसेज आया है कि बहुत सारा डिटेल आपको प्रीफिल्ड दिखाई देगा, ठीक है, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब शेड्यूल समरी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे शेड्यूल हैं, वन बाय वन हम भर देंगे। सबसे पहले पार्ट ए जनरल आपको
भरना है तो इस रो पर क्लिक करिए। पार्ट ए में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दिखाई देगा, चेक कर लीजिएगा सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक है। अगर रॉन्ग होगा तो आपको पैन कार्ड में चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ से एडिट नहीं होगा, ठीक है। हमारे केस में सब कुछ सही है तो इसको मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद कॉन्टेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेक कर लेना, सब कुछ सही होना चाहिए, हमारा सब कुछ सही है, अगर रॉन्ग होगा तो एडिट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन है, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) सिलेक्टेड है क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम फाइल कर रहे हैं। और नीचे आएंगे, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या नया टैक्स सिस्टम आपने पिछले सालों में चुना हुआ था, तो हमने नहीं चुना हुआ था, नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे तो पूछ रहा है कि क्या इस साल आप नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो, तो नॉट ऑप्टिंग पर क्लिक करेंगे, इस साल भी हम पुराना वाला ही कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो रेसिडेंट हैं हम, ठीक है। क्यों रेसिडेंट है वो भी रीजन हमें बताना है, तो पहला वाला रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि 182 दिन से ज्यादा हम इंडिया में ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं, सबका जवाब लगभग नो ही होगा, आप पढ़ लीजिएगा, और इन केस आपको लगता है कि यस करना है तो यस कर दीजिएगा, हमारे केस में सब में नो ही है, ठीक है। सारा डिटेल इंटर करने के बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दीजिए। फाइलिंग सेक्शन के बाद अब ऑडिट इन्फॉर्मेशन का आपको यहाँ पर रो दिखाई देता है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछा जाता है कि आप बुक मेंटेन करने के लिए लायबल हैं या नहीं, तो यस कर दीजिए, फाइनल अकाउंट तो हमने बनाया हुआ ही है। बाद यहां पर पूछा जाता है कि प्रेजम्प्टिव इनकम दिखाना है, तो कमीशन के लिए, ब्रोकरेज के लिए प्रेजम्प्टिव इनकम वाला जो स्कीम है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। अब पूछा जाता है कि आपका टर्नओवर कितना है, क्या 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है, तो हमारे केस में नहीं, हमारा तो 1 करोड़ से कम है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे। अगर आपका होगा 1 से 10 करोड़ के बीच में तब यस सेलेक्ट करिएगा, और अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा है तब आप नो वाला सेलेक्ट करिए, थर्ड ऑप्शन। हमारे केस में सेकंड ऑप्शन एप्लीकेबल है। नीचे आएंगे, ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है तो नहीं है, नो पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर और एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर नो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड, इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, दोनों को नो कर देंगे। हम मान के चल रहे हैं कि हमारे केस में ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये सब पहले ही आपको पता लगा लेना है कि ऑडिट होना है या नहीं होना, ठीक है। जब आपको पता लग जाता है तब आप ITR भरते हो, ठीक है। अब नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आखिरी में बैंक डिटेल का रो दिखाई दे रहा है, क्लिक कर दीजिए। जो बैंक आपने लिंक किया हुआ था इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा। ध्यान देना, जिस बैंक खाते में आपको रिफंड चाहिए वो वैलिडेटेड भी होना चाहिए और पैन कार्ड से लिंक भी होना चाहिए, ठीक है। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, नीचे आएंगे, यहाँ पर कन्फर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करते फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं, पार्ट ए जनरल हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नीचे आएंगे, नेचर ऑफ बिजनेस है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पिछले साल से ऑटोमेटिकली डेटा आ गया है, तो देख लीजिएगा सही डेटा आया है या नहीं आया है। अगर रॉन्ग आया होगा तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, जैसे हमारे केस में सेकंड वाला रॉन्ग आया है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब इसमें आप कुछ अगर ऐड करना चाहते हो, जैसे ट्रेड नेम, डिस्क्रिप्शन, तो ऐड कर सकते हो, सेलेक्ट करिए और एडिट पर क्लिक कर दीजिए। उसके अलावा दूसरा कोई बिजनेस ऐड करना है तो ऐड अनादर पर क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से पेज आ जाएगा, कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ट्रेड नेम, डिस्क्रिप्शन आप इंटर कर सकते हो। अब नेचर ऑफ बिजनेस ऐड करने के बाद आपको नीचे कंफर्म का बटन दिखाई देगा, क्लिक कर दीजिएगा। शेड्यूल समरी का पेज आ जाएगा, यहाँ पर भी नेचर ऑफ बिजनेस हमारा कंप्लीट हो गया है। शेड्यूल समरी का पेज आ जाएगा, नेचर ऑफ बिजनेस का रो भी कंप्लीट हो गया, कंफर्म का साइन दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे, पार्ट ए BS मतलब बैलेंस शीट, इस पर हम क्लिक करेंगे। फाइनल अकाउंट हमने बनाकर रखा हुआ है, फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे डिटेल हैं, इनको हम ITR में भरेंगे बैलेंस शीट वाले पोर्शन में। अब हमारा जो बैलेंस शीट का पेज है इस तरीके से हमें दिखाई देता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, नो अकाउंट केस हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सोर्स ऑफ फंड में हम जाएंगे, सबसे पहले एड डिटेल पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है, बहुत सारा डिटेल हमें यहाँ पर इंटर करना है। सबसे पहले प्रोप्राइटर का कैपिटल हमें इंटर करना है, हमारे केस में प्रोप्राइटर का ये रहा कैपिटल अमाउंट। इसका मतलब होता है कि साल के अंत में प्रोप्राइटर के पास कितना कैपिटल बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पर लोन फंड है, आपने अगर लोन लिया हुआ है अपने बिजनेस के लिए तो आप दिखा सकते हो। मान लो सिक्योर्ड लोन लिया हुआ है बैंक से या दूसरे किसी से तो दिखा सकते हो, मान लो अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है बैंक से या दूसरे किसी से तो वो भी आप यहां पर दिखा सकते हो, ठीक है। हमारे केस में लोन है नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहां पर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, एप्लीकेबल नहीं है हमारे लिए। एडवांसेज भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब सारा डिटेल भरने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही सोर्सेज ऑफ फंड में यहां पर आप देख सकते हो डिटेल ऐड हो गया है, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर देंगे। अब नीचे वाले रो में आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर बहुत सारे डिटेल आप सकते हो, फिक्स असेट्स का, इन्वेस्टमेंट का, करंट असेट्स का और करंट लायबिलिटी का भी आप यहां पर इंटर कर सकते हो, ठीक है। तो वन बाय वन हमारे केस में जो है जल्दी जल्दी इंटर कर देंगे। तो यहां पर सबसे पहले फिक्स असेट्स है, ग्रॉस ब्लॉक और उसके बाद डिप्रिसिएशन और नेट ब्लॉक अपने आप आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारे केस में हमने यहाँ पर रखा हुआ है हमारा जो असेट्स है, लैपटॉप हमारे पास होता है, या आपके पास अगर दूसरा कोई भी असेट्स है जैसे कि फर्नीचर वगैरह है या दूसरा कुछ भी बाइक वगैरह, वो भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। कंप्यूटेशन में हमने यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ट बनाकर रखा हुआ है। मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ लैपटॉप है, ओपनिंग वैल्यू हम डाल देंगे, उसके बाद पूरे साल भर में कितना डिप्रिसिएशन लगा है जो कि 20,000 है, और उसके बाद साल के आखिरी में क्या वैल्यू बचा हुआ है, ठीक है, ये अमाउंट है, और यही हमारे बैलेंस शीट में भी है, ठीक है, ये अमाउंट। तो यहाँ पर फिक्स असेट्स हमने इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद अब नीचे आएंगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप अमाउंट इंटर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में इन्वेस्टमेंट है, मान लेते हैं कि कोटेड इन्वेस्टमेंट है, तो हमने इंटर कर दिया है। उसके बाद नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 3 में, करंट असेट्स लोन एडवांसेस है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन है, देख लीजिएगा जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा भर दीजिएगा, ठीक है, जो नहीं एप्लीकेबल है उसको छोड़ दीजिएगा। हमारे केस में देखिए संडे लोन एडवांसेस है हमारे केस में, तो वो हम जल्दी से इंटर कर देंगे। अब क्या होता है कि जो ब्रोकर होता है या फ्रीलांसर होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, वो कोई ट्रेडिंग तो करते नहीं, तो इन्वेंटरी वगैरह तो आएगा नहीं, डेटर वगैरह आता नहीं है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा, और उसके अलावा एडवांस वगैरह आ सकता है, जैसे कि हमारे केस में हमने एडवांस दिया हुआ था तो वो अमाउंट आ सकता है, तो अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके अलावा मान लेते हैं कि आप फ्रीलांसिंग का जॉब कर रहे हो, आपको पैसा किसी के पास से आना है, तो आप डेटर में दिखा सकते हो जो बैलेंस अमाउंट बचा हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैश और बैंक बैलेंस भी है, तो वो भी हम दिखा देते हैं, तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया अपने बैलेंस शीट से। अब बचा है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी भी यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है करंट लायबिलिटी का, ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर, मान लीजिए आपको कोई पैसा देना है किसी को, ठीक है, तो वो अमाउंट आप यहां पर दिखा सकते हो बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, और कुछ अगर लोन वगैरह लिया हुआ था, इंटरेस्ट अक्रूड है, तो उसको आप यहां पर दिखा सकते हो, लायबिलिटी है क्योंकि, ठीक है। हमारे केस में मान लेते हैं कि वैसे ही प्रोविजन है, दो यहां पर 4,360 रुपया टोटल अमाउंट हम इंटर कर देंगे, तो लायबिलिटी में भी हमने डिटेल भर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप बैलेंस शीट वाला पार्ट भर सकते हो। नीचे आएंगे, यहां पर ये जो ऑप्शंस दिए गए हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, यहां पर टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिए। अब देखिए सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स यहां पर दोनों दिखाई दे रहे हैं, दोनों अमाउंट सेम होने चाहिए, ठीक है, थोड़ा एक रुपए का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ITR फाइल नहीं होगा। अब हमारे केस में बिल्कुल सेम है, तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से एक वार्निंग आया है, तो हमने इन सब का ध्यान रखा हुआ है, तो ओके पर क्लिक कर देंगे। शेड्यूल समरी का पेज आ जाता है, बैलेंस शीट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ये तो हमें भरना है नहीं, लेकिन इसको ओपन करके आप कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी हमें भरना नहीं है, फ्रीलांसिंग के लिए, कमीशन एजेंट के लिए, ब्रोकरेज के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी एप्लीकेबल होता नहीं है। मान लो ट्रेडिंग वाला कोई इनकम कर रहे हो, जैसे कि बाय सेल कर रहे हो गुड्स का, या शेयर से रिलेटेड ट्रेडिंग करते हो, तब आप भर सकते हो, ठीक है, उसका सेपरेट वीडियो हमने बनाया भी है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब PNL में आएंगे, पार्ट ए PNL में, यहां पर आपको अपना इनकम दिखाना है, यहां पर आपको अपना एक्सपेंसेस दिखाना है। हमने यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर रखा हुआ है, ठीक है, तो यहां से डिटेल हम भर देंगे। पार्ट ए PNL में जाएंगे तो ऊपर ही आपको क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले दिखाई देता है, ऐड डिटेल पर क्लिक करिए। यहां पर आपको अपना इनकम दिखाना है, जो भी इनकम आपको है, जिस नेचर का है उसको आप दिखा दीजिएगा। यहां पर बहुत सारे नेचर दिए गए हैं, इनमें से अगर कोई नेचर मिलता नहीं है तो आप एनी अदर इनकम में यहां नेचर एक्सप्लेन कर दीजिए और अमाउंट इंटर कर दीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे केस में कमीशन इनकम है, तो उसको हमने यहां पर दिखा दिया, ठीक है। मान लीजिए आपको दूसरा कोई इनकम भी रिसीव हो रहा है, जैसे ब्रोकरेज वगैरह से, तो यहाँ पर आप अमाउंट को मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप नेचर इंटर करिए और अमाउंट इंटर कर सकते हो। उसके अलावा कोई फ्रीलांसिंग का इनकम है तो वो भी आप ऐड अनदर पर क्लिक करिए, यहाँ पर नेचर इंटर करिए और अमाउंट इंटर करिए। इस तरीके से आप इनकम इंटर कर सकते हो। इनकम इंटर करने के बाद आपको नीचे ऐड के बटन पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर इनकम का अमाउंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर आपको अपना एक्सपेंसेस इंटर करना है, ऐड डिटेल पर क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, दो पेज है, ये पहला पेज है, और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दूसरा पेज भी आ जाएगा। तो ढूंढ लीजिए जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर कोई चीज़ जो आपके लिए एप्लीकेबल है और ऑप्शन यहाँ पर नहीं है तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अब हमारे केस में देखिए ये सब एक्सपेंसेस हैं। आपके केस में जो भी एक्सपेंसेस होगा वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा पहले ही, ठीक है। पहले पेज पर ही मान लो कि आपने ऑफिस वगैरह ओपन किया हुआ है तो रेंट वगैरह आप दिखा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का आप दिखा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा आपने एम्प्लॉय रखा हुआ है तो सैलरी भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो।
उसके अलावा इंटरटेनमेंट भी दिखा सकते हो, हॉस्पिटैलिटी तो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते ही हैं, ये भी आप दिखा सकते हो, एडवर्टाइजमेंट का भी आप अमाउंट दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से सेकेंड पेज आ जाएगा, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद फॉरेन ट्रैवल का भी है, कन्वीनियंस भी है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, उसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो भी एप्लीकेबल होगा, जल्दी जल्दी भर दीजिएगा, ठीक है। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, बहुत सारे ऑप्शन हमें अभी मिले नहीं है। दो चीज़ का आपको ध्यान रखना, अगर डिप्रिसिएशन है तो उसको डिप्रिसिएशन के बॉक्स में दिखाना है, और इंटरेस्ट है तो उसको इंटरेस्ट वाले बॉक्स में दिखाना है। लोन अगर आपने इंडियन बैंक से लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट आपको टू अदर्स में दिखाना है, ठीक है। हमारे केस में तो लोन है नहीं, ठीक है, डिप्रिसिएशन है 20,000 का, वो दिखा देते हैं। अब बाकी बहुत सारे एक्सपेंसेस हम दिखा नहीं पाए हैं, तो उनको कैसे दिखाना है मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर आपको जाना है इस पेज पर, यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस है, इस पर क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पर नेचर इंटर करने का बॉक्स आ जाएगा और अमाउंट इंटर करने का। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे केस में प्रिंटिंग स्टेशनरी है, तो वो वाला एक्सपेंसेस हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, मेंशन करने के बाद अमाउंट भी इंटर कर देंगे। उसके बाद दूसरा एक्सपेंसेस इंटर करना है तो ऐड डिटेल पर क्लिक करिए और फिर से डिटेल भर दीजिए। इस तरीके से जो भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दिए थे एक्सपेंसेस के, उनको आप यहाँ पर ऐड करते जाइए, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर भी दिखा दिया हुआ है। ध्यान देना, मिसलिनियस एक्सपेंसेस जब भी आप दिखाते हो बहुत ज्यादा अमाउंट यहाँ पर इंटर नहीं करना है, हो सके तो इस तरीके से ही इंटर करिएगा। सबका यहाँ पर आपको नेचर भी बताते जाना है, ठीक है। अब सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया, नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सारा एक्सपेंसेस हमने क्लेम कर लिया हुआ है, नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमारा इनकम भी कंप्लीट हो गया है, हमारा एक्सपेंसेस भी कंप्लीट हो गया है, प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है जो कि हमारे पीएनएल से, जो कि हमने फाइनल अकाउंट बनाया था उससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो सारा डिटेल अब हमारा सही हो गया है। अब नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं, हमारा पीएनएल भी कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब और नीचे आएंगे, पार्ट ए ओआई है, इसको हम छोड़ सकते हैं, वैसे ही हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ओपन करके इसको कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, शेड्यूल बीपी है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ कंफर्म करना है आपको, ठीक है। उसके बाद और नीचे आएंगे, शेड्यूल डीपीएम डीओए है, ये इंपॉर्टेंट है अगर आपको डिप्रिसिएशन है तो, ठीक है। इस तरीके से पेज आ जाएगा शेड्यूल डीपीएम का, ठीक है। अगर पिछले साल आपने डिप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ था तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली आपको फीड डेटा मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं भी मिलेगा तो आप इंटर भी कर सकते हो, आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखाई दे जाता है या ऐड करने का ऑप्शन दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो हमारे केस में पहले से ही ऐड हो गया है डिप्रिसिएशन भी और क्लोजिंग वैल्यू भी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फर्नीचर वगैरह भी है तो आप शेड्यूल डीओए पर क्लिक करिए, यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन है, क्लिक करके फर्नीचर वगैरह का आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए फर्नीचर एंड फिटिंग वगैरह का दिया गया है। क्या करना है यहाँ पर, सिर्फ आपको ओपनिंग WDV मतलब ओपनिंग वैल्यू ही इंटर करना है बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी डिप्रिसिएशन और क्लोजिंग वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, 50,000 हमने डाला ओपनिंग वैल्यू, ठीक है, डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली आ गया और क्लोजिंग वैल्यू भी ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। जब सारा डिटेल भर दो तो नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दो, ठीक है। हमारे केस में फर्नीचर का है नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, बैक कर देंगे। तो हमारे केस में सिर्फ लैपटॉप था, वो हमारा इंटर हो गया है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं, यहाँ पर आपको अब शेड्यूल डिप्रिसिएशन दिखाई देता है। यहाँ पर भी आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ चेक कर लेना है अपने डिप्रिसिएशन का अमाउंट, ठीक है। उसके बाद नीचे आना, कंफर्म पर क्लिक कर देना है। फिर से शेड्यूल समरी वाले पेज पर आ जाते हैं, डिप्रिसिएशन का भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो बहुत सारे शेड्यूल हैं, सब हमारे काम के नहीं है, जो हमारे काम के हैं उनको हम भर देंगे, बाकी सबको हम ओपन करेंगे और कंफर्म कर देंगे, ठीक है। फिलहाल सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला शेड्यूल भरेंगे। हमारे केस में हमें इनकम रिसीव हुआ है डिविडेंड से, इंटरेस्ट से, आप देख सकते हो, ठीक है। एनी अदर में यहाँ पर कमीशन इनकम भी आ गया है तो इसको डिलीट कर देना है, नहीं तो आपका इनकम डबल हो जाएगा। और इंटरेस्ट में हमारा अमाउंट ज्यादा है तो एडिट कर देंगे इसको सेलेक्ट करके। नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन है, देख लीजिएगा, जो एप्लीकेबल होगा भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेव का बटन, इस पर क्लिक कर दीजिए। इनकेस अगर आपको अदर सोर्स का दूसरा भी कोई इनकम है तो नीचे आपको एड अनादर का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से ड्रॉप डाउन आ जाएगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही सेलेक्ट करोगे आपको अमाउंट इंटर करने का ऑप्शन आ जाता है, अमाउंट इंटर करके आप नीचे ऐड पर क्लिक कर देना तो आपका इनकम ऐड हो जाएगा अदर सोर्स में। हमारे केस में दो ही इनकम है, डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम, जो कि ऑलरेडी हमने इंटर कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और नीचे आएंगे, मान लीजिए आपको कोई दूसरा इनकम है जिसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट लगता है, जैसे कि लॉटरी वगैरह से, टीवी गेम शो से, तो वो भी आप दिखा सकते हो ऐड डिटेल पर क्लिक करके, ठीक है। हमारे केस में नहीं है तो छोड़ देंगे। एकदम नीचे आएंगे,
यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको डिविडेंड है, ठीक है, या कोई स्पेशल इनकम है, तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली ब्रेकअप भी देना पड़ता है। यहाँ पर देखिए पीरियड दिया गया है, ब्रेकअप देना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। हमारे केस में डिविडेंड है 54 रुपीज़, तो उसका अमाउंट हम इंटर कर देंगे जिस क्वार्टर में आया हुआ है, और उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। तो अदर सोर्स भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें जाना है शेड्यूल 80D में, ठीक है। हमारे केस में हम देख लेते हैं मेडिक्लेम है या नहीं है, तो हमारे केस में मेडिक्लेम नहीं है, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। बट आपके केस में अगर होगा तो शेड्यूल 80D आप सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पर इस तरीके से पेज आ जाएगा। ऊपर हमारे लिए है और नीचे पेरेंट्स के लिए है। पिछले साल हमने क्लेम नहीं किया हुआ था इसलिए नॉट क्लेमिंग आ रहा है, ठीक है। इसको आप एडिट करके अमाउंट इंटर कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में मान लेते हैं कि नहीं है, बैक टू शेड्यूल पर जाएंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है चैप्टर 6A। हमारे केस में ATC का डिडक्शन है तो उसे हम इंटर कर देंगे। शेड्यूल 6A जैसे हमने ओपन किया, यहाँ पर पार्ट बी का रो दिखाई देता है, एड डिटेल पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे डिडक्शन दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। ATC भी आपको यहाँ पर ही मिलेगा। अब ATC को हमने सेलेक्ट कर लिया, अमाउंट हम इंटर कर देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद हमें यहाँ पर वार्निंग दिखाई दे रहा है, इसको इग्नोर कर देना है अगर आपका अमाउंट सही है तो, ठीक है। नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिए, ऐड हो गया ATC, ठीक है। उसी तरीके से ऐड अनादर पर क्लिक करिए, देख लीजिए दूसरा कोई आपको डिडक्शन एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। एप्लीकेबल होगा तो उसको सेलेक्ट करके अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में एक ही एप्लीकेबल था। उसके बाद नीचे आएंगे पार्ट CANDD में, यहाँ पर ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ATTTA का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। हमारे केस में 960 रुपया है, अमाउंट हम इंटर कर देंगे। अदर सोर्स में हमने इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक दिखाया हुआ था, उसका हम यहाँ पर बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर अगर कुछ एप्लीकेबल होगा तो इंटर कर दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ सेव का बटन है, क्लिक कर दीजिए। अब सारा डिडक्शन हमने इंटर कर दिया, ATC, ATTTA। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ जाता है। नीचे आएंगे स्क्रोल करके तो यहाँ पर चैप्टर 6A भी हमारा कम्प्लीट हो गया है। उसके बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है टैक्स पेड का, इस पर हम क्लिक करेंगे। जो भी TDS आपका डिडक्ट हुआ था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। देखिए सेकेंड रो में हमें दिखाई दे रहा है 10,000 का अमाउंट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे रो दिखाई देंगे, आपको स्क्रॉल करना है, सारा अमाउंट आपको चेक कर लेना है, कितना डिडक्ट हुआ है, कितना हम क्लेम करने वाले हैं और कौन से हेड में हुआ है वो भी आप देख लीजिएगा। जैसे कि हेड यहाँ पर अदर सोर्स सब सिलेक्टेड है, लेकिन जो कमीशन वाला इनकम है वो बिजनेस वाले हेड में होना चाहिए, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर एडिट का बटन है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर अमाउंट TDS का दिखाई दे रहा है, कितना क्लेम कर रहे हैं वो भी दिखाई दे रहा है, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। हेड ऑफ इनकम में हमें यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस सेलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में दिखाई देगा, उसके अलावा कोई टैक्स पेमेंट वगैरह किया हुआ है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो आखिरी रो में आपको दिखाई देगा, ठीक है। हमारे इसमें TDS है, ठीक है, कमीशन इनकम पर, तो वो दिखाई दे गया है। अब नीचे आएंगे, डिटेल कंफर्म करने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर पार्ट बी TI है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटेशन हमें दिखाई दे जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चेक कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको कंफर्म का बटन दिखाई देगा। सब कुछ चेक करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करिएगा, ठीक है। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया, सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। जो भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है उनको आप ओपन करके कंफर्म कर दीजिएगा सबको, ठीक है। तो सारा शेड्यूल हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एकदम नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको शेड्यूल पार्ट बी TTI दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरीके से आपको पेज दिखाई देगा, यहाँ पर आपके टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन हुआ होगा, ठीक है। आपको चेक कर लेना है कितना टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, कितना रिफंड बन रहा है, ठीक है। हमारे केस में रिफंड बन रहा है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में रिफंड ही बनेगा, बट नहीं बन रहा है, टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, तो आप टैक्स पे भी कर सकते हो, ठीक है। आखिरी में आना है, यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अगर एप्लीकेबल होगा तब यस करिएगा। हमारे केस में नो है, हमने सेलेक्ट किया। आप नीचे प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है, यहाँ चेकबॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर प्रीव्यू का पेज आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में बहुत सारे आपको शेड्यूल दिखाई दे रहे हैं, वन बाय वन आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है, नीचे आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करते इस तरीके से वैलिडेशन सक्सेसफुल आपको दिखाई दे जाता है। अब नीचे आपको प्रोसीड
कंप्लीट टू वेरिफिकेशन का बटन दिखाई देता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ जाता है। तीन ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान देना है। अगर आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हो, भले ई वेरीफाई हो या ऑफलाइन प्रोसेस से, 30 दिन के अंदर ही आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। पहले 120 दिन था, जिसको पिछले साल से ही घटा दिया गया है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तुरंत अपना ई वेरिफिकेशन कर लीजिएगा अभी ही, और हमारे केस में भी हम तुरंत करने वाले हैं। ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है किस तरीके से आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करो और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि OTP भेजा जा रहा है आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ध्यान देना है, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। आई एग्री पर क्लिक करेंगे चेकबॉक्स पर और जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से OTP इंटर करने का पॉपअप मैसेज आ जाता है। जल्दी से OTP इंटर करेंगे और नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते ही कंफर्मेशन का पेज आ जाता है, नीचे सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। और सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा, हमारा ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है ITR प्रोसेस होने का, ठीक है। नीचे देखिए आपको डाउनलोड रिसिप्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड दूसरा कोई भी इशू अगर आपको आ रहा है तो उसका प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हमने कमीशन, ब्रोकरेज या कोई भी सर्विस आप देते हो एज अ फ्रीलांसर तो उसको कैसे ITR में हम दिखा सकते हैं, उसका डेमो हमने देखा हुआ है। इनकेस अगर कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।